चप्पल। ये फैशन कम और फीलिंग ज्यादा है, क्योंकि जब भी मैं घर में बैंगन की सब्जी खाने से मना करता था तो अम्मा कहती थी या तो मुंह बंद करके सब्जी खा या चप्पल, और इस कंडीशन में मुझे बिना कुछ बोले सब्जी ही खानी पड़ती थी। और लेकिन चप्पल का असली यूज तो गैंग्स ऑफ वसेपुर में पंकज भैया ने किया था। चप्पल में इतनी सारी छिपी हुई शक्तियां हैं कि एक पल को ऋतिक रोशन का जादू भी शर्मा जाए। इसलिए आज की इस फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस में मिस्टर टेकबुल आपके लिए लेकर आया है वो प्रोसेस जिसमें आप देखेंगे बेकार प्लास्टिक से चप्पल बनने का पूरा सफर। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। चप्पल बनाने की शुरुआत होती है बेकार प्लास्टिक को पिघलाने से। असल में चप्पल हो या जूता या फिर प्लास्टिक का कोई भी आइटम बनता पीवीसी यानी कि प्लास्टिक के दानों से ही है। कबाड़ में से जो प्लास्टिक जमा की जाती है उसे एक जगह जमा करने के बाद फैक्ट्री के वर्कर्स उसे एक मेल्टिंग स्टेशन में डालते हैं, और यही मशीन इन बेकार प्लास्टिक को छोटे छोटे दाने जिसे प्लास्टिक पीवीसी ग्रैनुअल्स बोला जाता है उसमें बदल देते हैं। पीवीसी ग्रैनुअल्स तैयार होने के बाद इसे दो तरह की फैक्ट्रियों में भेजा जाता है। पहली होती है स्मॉल स्केल यानी कि छोटी फैक्ट्री, जहां इसे पिघलाकर एक लंबी शीट बनाई जाती है, और दूसरी होती है बड़े लेवल की फैक्ट्री। आइए पहले देखते हैं स्मॉल स्केल फैक्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग। यहां सबसे पहले पीवीसी ग्रैनुअल्स को पिघलाकर उसे कुछ इस तरह की बड़ी बड़ी शीट्स में बदला जाता है, जिसे बाद में आगे भेजकर इसे एक चप्पल की सोल की सांचे की मदद से कुछ इस तरह से काट लिया जाता है। यानी इस स्टेप में हमारी चप्पल की सोल तैयार हो चुकी है। लेकिन कभी कभार ये सोल आड़े टेढ़े भी कट जाते हैं, तो इन्हें इस मशीन से घिस कर सीधा और बराबर कर लिया जाता है। सोल को सीधा करने के बाद अब बारी आती है सोल में स्ट्रेप्स लगाने की, जिसके लिए सोल में एक छोटी ड्रिल टाइप की मशीन से होल किया जाता है। लेकिन स्ट्रेप्स लगाने से पहले बारी आती है इस चप्पल को सुंदर बनाने की, यानी चप्पल पर कुछ रंग पेंट या डिजाइन करने की, जिसके लिए इन सोल्स पर पहले से तैयार डिजाइन साँचों पर कलर डालकर इन चप्पलों या जूतों पर अलग अलग डिजाइन को छाप दिया जाता है। चप्पल प्रिंट करने के बाद अंत में इन पर स्ट्रैप लगाया जाता है। इतना सब होने के बाद एक चप्पल को पूरा बनकर तैयार होने में 30 से 35 रुपए की लागत लगती है, और यही चप्पल मार्केट में 150 से 200 रुपए में बिक जाती है, यानी सीधा 5 गुना मुनाफा। पैसा ही पैसा होगा। अब ये तो बात हुई छोटी फैक्ट्रियों की, अब एक नज़र बड़ी फैक्ट्री की तरफ भी मोड़ लेते हैं। बड़ी फैक्ट्री में भी सबसे पहले पीवीसी ग्रैनुल्स को मेल्टिंग मशीन में डाला जाता है। ये मशीन दोनों को पिघलाकर मॉडर्न फ्लूइड इंजीनियरिंग टेक्निक से पिघले हुए प्लास्टिक को सीधा मोल्डिंग मशीन में भेज देती है, जो कुछ ही सेकंड में ठंडा होकर सख्त हो जाता है, और चप्पल या जूते फटाफट रेडी हो जाते हैं। इनमें भी आखिर में स्ट्रैप लगाकर इन्हें आगे भेज दिया जाता है मार्केट में बिकने के लिए। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह से कबाड़ की प्लास्टिक से आपके शानदार चप्पल तैयार हो जाते हैं। ये तो थी फिलहाल चप्पल की बात। आप अगली वीडियो में किस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग देखना चाहते हैं, आप चाहें तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।